एक्वा सॉल्यूशन में पानी में माइंस की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आर आर कोई भी ग्रुप हो सकता है, आर एन एच एच ये है 1 डिग्री अमाइन, आर एन आर एच ये है 2 डिग्री अमाइन, आर एन आर आर ये है 3 डिग्री अमाइन। अब पहले तो ये बताओ इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखोगे तो ये प्लस आई ग्रुप है, दिस इज ए प्लस आई ग्रुप, दिस सप्लाइज इट्स इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी? 3 डिग्री अमाइन में। तो जब आप ऐसे जाओगे 1 से 2 तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एन इंक्रीजेस, मतलब जब आप 1 से 2 से 3 जाते हो, हेंस बेसिसिटी शुड इंक्रीज, है ना। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखें तो बेसिसिटी बढ़नी चाहिए 1 से 2, 2 से 3 जाने पे, ये एक फैक्टर है। लेकिन आपने इसको वाटर में रखा है तो वाटर में एक और फैक्टर आएगा, हाइड्रेशन। मान लो आप इसको बेसिसिटी मतलब क्या, एच प्लस को लोन पेयर देना मतलब एच प्लस को एक्सेप्ट करना, तो एच प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एनिलीनियम, बन गया ना एनिलीनियम आयन। बन गया ये क्या बन जाएगा, आर एन आर आर एच प्लस, यही बन जाएगा ना। अब क्या है, पानी इसको घेरेगा आगे, पानी इसके साथ कैसे एच बॉन्डिंग करेगा, ऐसे ओ एच एच ऐसे करेगा ना, ऐसे 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 करेगा ना। और यहाँ दो ही है सिर्फ, ऐसे दो ही है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है। और दूसरी बात क्या है कि ये आर ग्रुप भी बड़ा हो गया ना। आर ग्रुप क्या करता है, आर ग्रुप पानी को आने से रोकता है। एक तो एच कम हो गए, देखो एच बॉन्डिंग तो एच के साथ ही करनी थी वाटर ने, एक तो एच कम हो गए, दूसरा अल्काइल ग्रुप साइज बड़ा होता जा रहा है, अल्काइल ग्रुप तो वाटर को रिपेल करता है, तो हाइड्रेशन की टेंडेंसी कम हो रही है इसकी। ये जो एनिलीनियम आयन है इसकी हाइड्रेट होने की टेंडेंसी कम हो रही है। हाइड्रेशन जितनी ज़्यादा होती है उतना मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ कम हो गया है ना, डिक्रीजिंग हाइड्रेशन, हेंस डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। और जितनी स्टेबिलिटी कम होगी हेंस लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म, तो उसकी बनने की टेंडेंसी कम होगी। तो ये बनना नहीं चाहता, अगर ये बनना नहीं चाहता तो ये एच प्लस गेन नहीं करेगा, ये अगर ये एच प्लस गेन नहीं करेगा तो बेसिसिटी इसकी कम हो गई। सबसे ज़्यादा कौन बनना चाहता है, ये अगर ये सबसे ज़्यादा बनना चाहता है मतलब ये सबसे ज़्यादा एच प्लस गेन करना चाहता है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। तो अगर आप हाइड्रेशन के बेसिस पे देखोगे तो बेसिसिटी कम हो रही है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखोगे तो बेसिसिटी का ऑर्डर था 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, और उससे कम अमोनिया। शुक्रिया, फिर समझाया। अगर आप हाइड्रेशन के बेसिस पे देखते हो तो ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री ये है, और सबसे ज्यादा अमोनिया का होगा। तो फिर अब कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा वो डिपेंड करता है अल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये एक्सपेरिमेंटल है ठीक है ना। तो क्या याद रखना आपने, अगर तो मिथाइल है, आर की वैल्यू क्या है मिथाइल है, या फिर आर कुछ और अदर है, मेनली वो एनसीईआरटी में मिथाइल के लिए दिया है बट मोस्टली बाकी के लिए भी यही ऑर्डर फॉलो होता है। तो देखो दो चीज़ें याद रखनी है आपको, 213 और 231। जैसे मैं
इसके इथाइल ले लो, मान लो इथाइल और अमोनिया, ये ऑर्डर याद याद रखना बहुत आसान है। ये ऑर्डर है 231 और 213, इनमें से कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है? 231,231। तो यहाँ पे बड़ा ग्रुप इथाइल है। अगर आर की वैल्यू इथाइल है तो 231 ऑर्डर फॉलो होगा, अगर आर की वैल्यू मिथाइल है तो 213 ऑर्डर फॉलो होगा, ये याद रखना आप। 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगा उस, हाँ पानी में, पानी में, वाटर में। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बेसिस पे हम देखते हैं क्वेश्चन है ये, देखो अब। अमंग्स द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम इज, एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? देखो जरा क्या आंसर आएगा। 2 डिग्री वाला, ये रहा 3 आंसर आ गए, थर्ड। अब आप सर देखो इधर देख लो, देखो ये तो लोन पेयर है, ये तो लोन पेयर जो है ये एरोमेटिक रिंग के साथ लगा हुआ, तो ये तो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, सी एन इज माइनस आई ग्रुप, माइनस आई तो इसकी भी कम हो जाएगी। तो सबसे कम तो इसकी क्या है, सबसे कम तो 4 की होने वाली है, क्योंकि वो तो एराइल हो गया। देखो ये सारे एल्काइल अमाइंस हैं, ऑल दीज आर एल्काइल अमाइंस एंड दिस इज एराइल अमाइन, तो ये तो रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, सबसे कम है। अब एल्काइल अमाइन में भी ये माइनस आई ग्रुप लगा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इन तीनों में 1 2 3 में 2 लीस्ट है, जो 1 है ये 1 डिग्री है, 3 टू2 डिग्री है, डिग्री तो 2 डिग्री ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? 3, फिर 1, वन फिर फिर 2, टू फिर फिर फोर 4, ये आंसर है। तो पढ़ भी लेते हैं, कंसिडरिंग द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड सॉल्वेशन, सॉल्वेशन यहाँ पे हाइड्रेशन है, मतलब मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस की जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वो होता है 2 1 3। रेजोनेंस के कारण यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, इसलिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये लीस्ट बेसिक है अमंग गिवन ऑप्शंस। और ये माइनस आई इफेक्ट के कारण ये कम बेसिक है इन दोनों से, तो ये ऑर्डर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट रिएक्टिव अमाइन टूवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्टिविटी का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ही पूछ रहा है वो, तो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक, अब पानी है ही तो डाइल्यूट HCl, मतलब पानी है ही है, तो क्या होगा? अब ये कौन सा डिग्री है? नहीं, वन 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 डिग्री, डिग्री टू ये टू डिग्री डिग्री है, थ्री थ्री डिग्री और ये तो क्या है, एरोमेटिक ही है, तो एरोमेटिक सबसे कम कौन सा होगा? एरोमेटिक एरोमेटिक सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा 2 डिग्री, तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 231 ऑर्डर है, तो थ्री मिथाइल है ना, डिग्री टू के बाद थ्री थ्री वाला, फिर फिर वन फोर 1, फिर उसके बाद 4, तो ये आंसर आएगा 2, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 231 तो इथाइल के लिए होता है, 213 होगा ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री वाला, मतलब 2, टू फिर 1, फिर वन 3 3, फिर आएगा 4, ये बेसिसिटी का इनका ऑर्डर है, दैट्स द आंसर, ऑप्शन 2 आ गया आंसर, सबसे ज्यादा तो 2 डिग्री ही है, ठीक है।